आज जिनकी जयंती है, जिनका महोत्सव है, प्रकटोत्सव है, अक्षय जयंती है, इसलिए सभी लोग मिलकर के दोनों मुट्ठी बांध करके हम गुरु गोरक्षनाथ जी के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं। जयकार इतनी प्रसन्न होनी चाहिए, इतनी प्रबल होनी चाहिए कि भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी जो यहाँ इसी परिसर में विद्यमान है, हम सभी के ऊपर अपनी कृपा छाया बनाए और हमारे जीवन में चार चांद लगाए। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, नवनाथ 84 सिद्धों की। परम श्रद्धेय श्री शिवनाथ जी महाराज और भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे हुए सभी नाथ संप्रदाय के वंशजों, अनुयायियों, माताओं, बहनों, संत महंतों, देवियों और सज्जनों, आज बड़े हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि हम गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का प्रकटोत्सव मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। और निश्चित रूप से यह धन्य धरा है, यह पावन धरा है और आज यह सिद्ध धरा भी है, क्योंकि भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक प्रांत से, भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पर कई सिद्ध मठों के पीर महंत यहाँ विराजमान हुए हैं और इस धरती पर उनका पदार्पण हुआ है और उनके चरण कमल, उनकी चल समारोह से यह निमच की धरती आज धन्य धन्य हुई है। मैं इस पूरे सकल नाथ योगी समाज के समस्त पदाधिकारियों का, समस्त संरक्षकों का, समस्त सहयोगियों का और समस्त जो भी इनके कार्य में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं बारंबार हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि इतना भव्यातिभव्य और दिव्यातिदिव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। हम सभी के लिए यह एक बड़ी अनुसरण करने वाली बात है कि हम सभी नाथ योगी वंशज हैं और गुरु गोरक्षनाथ जी की जो गायत्री मंत्र है, गुरु गोरक्षनाथ जी की गायत्री हम सभी को याद होनी चाहिए। गुरु गोरक्षनाथ जी की गायत्री हम में से संभवतः बहुत कम लोगों को याद होगी। आप में से गुरु गोरक्षनाथ जी की गायत्री किन किन को याद है अपने हाथ खड़े करो, जिनको गोरक्ष गायत्री याद है। देखिए ये हमारा हाल है, सारी तरफ चारों ओर सन्नाटा है। अरे हम नाथ योगी परंपरा के उस वंश के हम सभी अनुयायी हैं जिसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, जो कि ब्रह्मांड गुरु है, विश्व गुरु नहीं, जगत गुरु नहीं, गुरु गोरक्षनाथ जी ब्रह्मांड गुरु है, उनके हम वंशजों की यह दशा है कि गुरु गोरक्षनाथ जी की गायत्री हमको याद नहीं है। अगर तुमको कहीं कुछ बात हो जाए, कहीं कुछ चर्चा हो जाए और तुमको ये बात बोलनी पड़े, ये बात सिद्ध करनी पड़े कि तुम नाथपंथी हो, तुम नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो, तो तुम्हारे पास में क्या प्रमाण है। इसलिए हम सभी को गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जो गायत्री है, गायत्री में ही सारे इस ब्रह्मांड का और सारे नाथ संप्रदाय का रहस्य छुपा हुआ है। गुरु गोरक्षनाथ जी की गायत्री कौन सी? गुरु गोरक्षनाथ जी की गायत्री ओम गुरु जी सतरहम आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी सतरहम आदेश, गुरु जी को आदेश, ओंकारे शिव रूपी मध्याने हंस रूपी, संध्या साधु रूपी हंस परमंश, दो अक्षर गुरु तो गोरक्ष काय तो गायत्री, ओम ब्रह्म सोहम शक्ति, शून्य माता अवगत पिता, विहंगम जात अभय पंथ, सूक्ष्म वेद असंख्य शाखा, हरमुख प्रवर निरंजन गोत्र, त्रिकुटी क्षेत्र जुगति ज्योत, जल स्वरूप रुद्रवर्ण, सर्वदेव ध्यायताय श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ, ओम सोहम तत्पुरुषाय विद्महे शिव गोरक्षाय धीमहि तन्नो गोरक्षः प्रचोदयात्। ओम इतना गोरक्ष गायत्री जाप संपूर्ण भया, अनंत कोटि सिद्धों में बैठ श्रीनाथ जी गुरु जी ने कहा, सिद्धो गुरुवरो आदेश आदेश। तो यह गुरु गोरक्षनाथ जी की गायत्री है, इसमें ही अपना अपना परिचय, अपने नाथ परंपरा का परिचय है। इसमें सारी बात का प्रश्न और उत्तर के रूप में इस गायत्री को सृजित किया है। जैसे आपका रूप क्या है, आपका रंग क्या है, आपका वर्ण क्या है, ओंकारे शिव रूपी, मध्याने हंस रूपी, संध्याया साधु रूपी, हंस परमंश, दो अक्षर, अक्षर कौन से है अपने, हंस और परमंश, हंस परमंश दो अक्षर, गुरु तो गोरक्ष और काया तो गायत्री, हमारी काया जो है वो गायत्री, काया तो गायत्री। इसी प्रकार से जो नाग संप्रदाय के समस्त प्रश्नोत्तर हैं उनका सभी का जवाब इस गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की गायत्री में है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हमको गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जो यह गायत्री है उसका हम सभी को याद होना परम आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ में
गोरक्षनाथ जी का जो यह पावन नाम है इसके अनेक अर्थ हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी के जो शुभ नाम है, गोरक्ष का सबसे पहला अर्थ है गाय का रक्षक, दूसरा अर्थ है पृथ्वी का रक्षक, गो यानी पृथ्वी, पृथ्वी का रक्षक, और गो यानी इंद्रिय, इंद्रिय के जो रक्षक है वो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है, यानी इस पृथ्वी के रक्षक भी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है। आज हम जो ये भाषा बोल रहे हैं, हमारी जो भाषा, आज हम सभी जिस भाषा में बात करते हैं, उसके सबसे पहले रचनाकार, उसके सबसे पहले रचनाकार गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। भारतवर्ष का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो आदिकाल है, कुछ लोग जो समझदार होंगे मेरी बात को समझ रहे होंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 10वीं शताब्दी के आसपास का समय है, उसमें गुरु गोरखनाथ जी ने यह वाणियाँ रचित की थी। इसमें जो सबसे पहला ग्रंथ मिलता है गोरखवाणी, वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सबसे पहली रचनाएँ थी। और डॉक्टर कमल सिंह ने हरियाणा के एक रोहतक विश्वविद्यालय में पीएचडी की है, जिसमें इसी बात पर उन्होंने पीएचडी की है, हिंदी के प्रथम कवि गोरखनाथ, इस विषय के ऊपर उन्होंने पीएचडी की, और उन्होंने सिद्ध किया है कि आज हम जो यह भाषा बोल रहे हैं उसके प्रथम रचनाकार गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय उदय और विस्तार नामक ग्रंथ के अंदर उन्होंने यह सिद्ध किया है, यह उन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य के जो अंदर जो कथोपकथन शैली है, जो प्रश्नोत्तरी शैली है, उसके प्रथम जो रचनाकार है वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं। जो मच्छंदर गोरख बोध जो कथोपकथन शैली के अंदर, प्रश्नोत्तर शैली के अंदर जो प्रस्तुत हुआ है, जो सृजित हुआ है, वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रथम रचना है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिन्होंने नाथ संप्रदाय के अंदर बहुत अनुसंधान किया, उन्होंने यह इस बात को सिद्ध किया कि कथोपकथन हिंदी साहित्य की जो कथोपकथन शैली है उसके प्रथम सृजक और रचनाकार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी केवल हिंदी साहित्य को देनी नहीं है, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने हिंदी में और संस्कृत में लगभग 200 ग्रंथों का निर्माण किया है, 200 ग्रंथों का उन्होंने सृजन किया है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि गुरु के रूप में विख्यात है। और परम आदरणीय श्री शिवनाथ जी महाराज ने भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको, ज्ञानवर्धक बातें गोरखवाणी की बताई। वसती न शून्यम, शून्यम न वसती, अगम अगोचर कैसा, गगन शिखर में बालक बोले ताका नाम धरोगे कैसा। बहुत सुंदर, ऐसा नाम जपो रे भाई, सोहम सोहम ए जपा गाई, हबकी न बोलीबा, ठबकी न चालीबा, धीरे धरीबा पावन, गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरख रावम। और इसी प्रकार से हठ न करीबा, पड़िया न रहीबा, यूं बोलिया गोरख देवम, हसीबा खेलीबा, धरीबा ध्यानम, अहनिसी कथीबा ब्रह्म ज्ञानम। इसी प्रकार से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश हमारे हिंदी भाषा के जो प्रथम ग्रंथ है गोरखवाणी, उसके अंदर हम सभी को दिए हैं। और आज के इस पावन दिन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात के बारे में आप सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, वो है हमारे गृहस्थ और विरक्त के जो परंपराएं हैं उनमें समानता के बारे में और उनमें एकता के बारे में। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ उस बात पर विशेष रूप से बोलता हूँ कि हमारे वास्तविकता यह है कि हमारी गृहस्थ परंपरा और विरक्त परंपरा में बहुत असमानताएँ और बहुत दूरियाँ हैं। हमको जैन समुदाय से, सिख समुदाय से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनमें गृहस्थ और विरक्त दोनों ही मिलकर के आपस में पूरे धर्म का संचरण करते हैं और उसके विकास और प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते हैं। गृहस्थ परंपरा के बारे में बहुत से लोग कई प्रकार की बातें करते हैं कि गृहस्थ परंपरा नवीन है, अर्वाचीन है, ज़्यादा प्राचीन नहीं है, लेकिन मूल रूप में गृहस्थ परंपरा ठीक उतनी ही प्राचीन है जितने भारतवर्ष में भगवान शिव प्राचीन है। अपने परम आदरणीय शिवनाथ जी महाराज ने करनाल के एक नाथ महासम्मेलन में कहा था कि जितने भगवान शिव प्राचीन है उतना ही नाथ संप्रदाय प्राचीन है। तो इसी प्रकार से भारतवर्ष की यह जो गृहस्थनाथ परंपरा है यह भी ठीक उतनी ही प्राचीन है। और अभी उमेश नाथ जी महाराज ने भी कहा था कि बिना गृहस्थ के तो हमारा जन्म भी कैसे हुआ। इसलिए गृहस्थ की महत्ता और गृहस्थ की जो प्रतिष्ठा है उनको, और विरक्त की परंपरा और विरक्त की जो मान्यता और सिद्धांत है, इन दोनों को मिलकर के आपस में काम करने की आवश्यकता है आज के समय में, क्योंकि हमको अपने सारे वाद विवादों को छोड़ करके आज
असमानताओं को छोड़ करके जो दूरियां हैं उनको छोड़ करके हम दोनों को गृहस्थ को और विरक्त को एक होने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं बड़े हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैंने भारतवर्ष में 3 ऐसे नाथ योगी देखे हैं, परम आदरणीय शिवनाथ जी महाराज, एक मेरे गुरुदेव नेपाल के महाराजा अधिराज के गुरु श्री नरहरिनाथ जी महाराज, और इसके साथ ही साथ में शिवनाथ जी महाराज और विलासनाथ जी महाराज, ये विरक्त को और गृहस्थ को दोनों को साथ में लेकर के और योग का प्रचार कर रहे हैं और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नवनाथों के अंदर जितने भी नाथ हैं उनमें से अधिकांशतः गृहस्थनाथ परंपरा से संबंध रखते हैं। जो मूल नवनाथ है, मूल नवनाथ में जो भगवान आदिनाथ शिव है, शिव स्वयं गृहस्थ हैं और उनकी धर्मपत्नी उदयनाथ पार्वती और पुत्र गणपति और कार्तिकेय। इसके साथ ही साथ में जो द्वितीय नाथ है उदयनाथ जी, जिनको भगवान शिव ने दीक्षित करके उदयनाथ नाम दिया माता पार्वती को, और माता पार्वती भी गृहस्थ परंपरा से है। सत्यनाथ, ब्रह्मा, सावित्री और गायत्री इनका परिवार है। संतोषनाथ, विष्णु, महालक्ष्मी जी इनकी पत्नी है। साथ ही साथ में गजकंथड़ी, गणेश, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का इनका परिवार है। और साथ ही साथ में माया रूपी दादा मत्स्येंद्रनाथ, ये भी 12 साल तक कामरूप देश में जाकर के वहाँ रानी मैनाकिनी के साथ में इन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया, और गृहस्थ धर्म का पालन करने के पश्चात 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक तो मीननाथ और दूसरा पारसनाथ। इसलिए हमारी यह गृहस्थ परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसके शास्त्रीय प्रमाण भी है। गोरक्ष सिद्धांत करके ग्रंथ है जो गोरखपुर से प्रकाशित है महंत जी द्वारा, उस ग्रंथ के अंदर एक श्लोक है। उस ग्रंथ में श्लोक है कि नाथात द्वित प्रकारात षष्ठी जातः, नाथात द्वित प्रकारात षष्ठी जातः, नाद रूपाच बिंदु रूपाच, नाद रूपाच शिष्य क्रमेणम, बिंदु रूपाच पुत्र क्रमेणम। अर्थात इस बात, इस श्लोक का यह अर्थ है कि नाथ 2 प्रकार से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। नाथात द्वित प्रकारात षष्ठी जातः, नाथ 2 प्रकार से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, नाद रूपाच बिंदु रूपाच, नाद रूप से और बिंदु रूप से, नाद रूपाच शिष्य क्रमेणम, बिंदु रूपाच पुत्र क्रमेणम। नाद रूप से शिष्य बना करके, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, किसी को भी शिष्य बना करके और उसको नाथ संप्रदाय में दीक्षित करके और उसे नाथ धर्म में, नाथ संप्रदाय में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से नाथाद द्वित प्रकार आद सृष्टि जाता, नाद रूपाच बिंदु रूपाच, नाद रूपाच शिष्य क्रमेणम, बिंदु रूपाच पुत्र क्रमेणम। बिंदु रूप से अर्थात विवाह करके और पुत्र उत्पन्न करके अपने संप्रदाय का विकास और विस्तार करना, यह नाथ संप्रदाय का सिद्धांत है। नाथात द्वित प्रकार आद सृष्टि जाता, नाद रूपाच बिंदु रूपाच, नाद रूपाच शिष्य क्रमेणम, बिंदु रूपाच पुत्र क्रमेणम। इसलिए हमारा नाथ धर्म, नाथ संप्रदाय, गृहस्थ और विरक्त परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है और हम सभी को, दोनों को एक होकर के और इस बारे में विचार करना चाहिए और अपने धर्म की ध्वजा को फहराना चाहिए। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में गुरु गोरखनाथ जी महाराज के मंदिरों का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठाएँ हो रही है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और मैंने अपने जीवन में के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा है कि भारतवर्ष में गोरक्षनाथ जयंती पर, गोरक्षनाथ प्रकटोत्सव पर और इतने सारे आयोजन भारतवर्ष में हो रहे हैं आज के, जिसकी कोई सीमाएं नहीं। प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में छोटा बड़ा आयोजन आज हो रहा है। एक बार जोर से ताली बजा करके आज गोरक्षनाथ महाराज जी की जयंती पर सभी का अभिनंदन कीजिए। एक मिनट, अब एक बात करूंगा मैं समाधि संस्कार की परंपरा की। समाधि संस्कार की परंपरा जैसे भी राजनाथ जी महाराज ने अभी उमेशनाथ जी महाराज से मांग की थी, क्योंकि हमारे लिए यह भीषण समस्या है, इसलिए उमेशनाथ जी अभी नए नए राज्यसभा के लिए सांसद निर्वाचित हुए हैं, तो हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो समाधि संस्कार की परंपरा है, ये परंपरा हमको स्थान मिले, जगह मिले और उसके तरफ, उसके ऊपर हम बाउंड्री वॉल करा करके वहाँ नाथ योगी समाज समाधि स्थल ये लिखवाएँ। और कई जगह को हमको देखने को मिल रहा है, विशेष करके हरियाणा में और अन्य विभिन्न प्रांतों में
आजकल लोग जलाने लग गए हैं। ये अत्यंत चिंता और दुखद विषय है। हम सभी को पुनः अपनी प्राचीन समाधि परंपरा को, जो हजारों साल से चली आ रही है, इसको हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और हम सभी को इसके लिए विशेष रूप से एकत्रित होकर के और इसके लिए आंदोलन करके और कुछ न कुछ इसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक शब्द चल पड़ा है गोरख धंधा, गोरख धंधा, गोरख गोरख जो कोई ध्यावे ब्रह्म रूप के दर्शन पावे। हम उन गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के अनुयायी हैं जिनके गोरख गोरख नाम रटने से, जपने से हमको ब्रह्म के रूप के दर्शन हो जाते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी में ही ब्रह्म दिखाई देते हैं। और हमने गुरु गोरखनाथ जी के शब्द को कितना अपमानित होते हुए, कितना इसको अपमानित होते हुए हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको बहुत भयंकर पीड़ा होती है। मैं आदरणीय सिंहनाथ जी महाराज से कल भी मिला था तो इस बारे में भी चर्चा हुई थी कि सबसे पहला आदेश इसके लिए, गोरख धंधा शब्द के लिए, आदित्यनाथ जी महाराज के उत्तर प्रदेश से इसका आदेश जारी हो कि गोरख धंधा शब्द बंद हो, जिससे हमारे जो धर्म की परंपरा है वो विराजमान रहे, प्रतिष्ठापित रहे और हमारी पताका फहराती रहे। क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने नर से नारायण बनने का, मनुष्य से देवत्व का और जीव से शिव बनने का, जीव से ब्रह्म बनने का और जीव से मोक्ष प्राप्ति की अनेकानेक विधियां बताई, और इतनी सारी विधियां बताई हैं इन्होंने जिसके कारण से लोगों को समझने में समस्या आ गई। इसके कारण से लोगों में ऐसा लगा कि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने कौन सा धंधा ये कर दिया कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है। मोक्ष प्राप्ति की इतनी सारी विधि आविष्कृत कर दी, रजनीश ने लिखा, ये गोरक्षनाथ जी ने इतनी विधि आविष्कृत कर दी कि लोगों को गोरख धंधा शब्द जो है लगने लग गया। लेकिन बाद में आजकल इस नाम का बहुत दुरुपयोग होकर के और हमको बड़ा ही अपमानित होना पड़ता है जब कोई शराब का जखीरा पकड़ा जाता है और अखबार में लिखा जाता है कि वो फलाना शराब का काम करते हुए, गोरख धंधा करते हुए पकड़ा गया। तो हम सभी को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। आप और हम सभी लोग मिलकर के एक विराट रूप में, एक विशाल रूप में आंदोलन करें और इस गोरख धंधा शब्द को बंद कराने के लिए जो भी आपसे, हमसे हो सके वो हम प्रयास करें। आदरणीय सिद्धनाथ जी महाराज से मैं पुनः इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप इस गोरख धंधा शब्द को बंद कराने के लिए श्रीमान आदित्यनाथ जी से निवेदन करें, जिससे यह शब्द बंद हो और हमारी मान प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, हमारी भावना को ठेस न पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।